ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? वेलकम बैक टू अदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। अब आप सभी लोग को पता हो गया, लास्ट वाले एपिसोड में माइकल को चाइनीज गैंग्स के बंदों ने किडनैप कर लिया था। अब वो पता नहीं यार किस वजह से किडनैप कर रहा था, शायद से उसका रीजन ट्रेवर ही हो सकता है, ट्रेवर का ये कोई प्लान हो सकता है। अब पता नहीं, वो हमें आगे चलकर ही पता चलने वाला, लेकिन वहां से ना डर के ट्रेवर भी भागा था, इसलिए मेरे को लग रहा है कि वो ट्रेवर का प्लान नहीं है। अभी यहां पर फ्रैंकलिन ने ट्रेवर को पूरी की पूरी बात पता करने के लिए बुलाया। देखते हैं ट्रेवर आता ही होगा, बाहर चल के देखते हैं क्या सीन है, और आज हमें माइकल को वहां से छुड़ा कर लाना है। तो ये वाला जो एपिसोड है ना यार, बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। चलो यार, बाहर चल के ट्रेवर का वेट करते हैं। तो गाइस, यहां पर अभी ये जो फ्रैंकलिन की चाची है वो यहां से जा रही है, और ट्रेवर भी आ गया भाई लगे हाथ। ओके, तो ये पता नहीं बच्चों वाली हरकतें करते हो यहाँ पर, अपना जा रहे रनिंग पे। ओके, तो ट्रेवर भाई गुस्सा हो गया इन लोग के ऊपर, और यहाँ पर ट्रेवर में देख लो भाई अभी भी कितनी ज्यादा अकड़ है, मतलब कि उसे माइकल के किडनैप होने का कोई भी वो नहीं है भाई, दुख नहीं है इस टाइम पर। ओके, तो देखते हैं अभी क्या सीन होने वाला है फिलहाल। ओ भाई, ये तो गिर ही गया, और फ्रैंकलिन हंस रहा है इस पे, मेरे को लग रहा है गुस्सा होने वाला आज इस पर। मतलब यार जो भी है, बहुत ही गलत सीन हुआ। अब ये शायद से ना हेल्प के लिए है, शायद से माइकल के पास जाएगा, हम दोनों जाएंगे भी बचाने, देखना पड़ेगा भाई क्या सीन है। तो भाई इस टाइम ट्रेवर इतनी सी बात को लेकर चौड़ा हो रहा है कि तू मेरे पे हंस कैसे रहा है, मतलब कि भाई बहुत ज्यादा अकड़ आ चुकी है, और इस चीज को देखकर ये पता चल रहा है कि हाँ यार ये हमारे साथ नहीं जाने वाला माइकल को बचाने। तो भाई यहाँ पर फ्रैंकलिन पूछ रहे कि नॉर्थ एंगटन में ऐसा हुआ क्या था जो माइकल वहां से वापस नहीं आया। तो अब ये पूरा बता रहा है कि चाइनीज गैंग्स के जो बंदे थे वो उसे वहीं से किडनैप करके ले गए, और इसमें शायद से ना ट्रेवर का कोई भी हाथ नहीं। अब क्या पता ये फ्रैंकलिन को भी झूठ बोल रहा हो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं इस टाइम, क्योंकि ट्रेवर भाई सबसे लड़ चुका है। और यहाँ पर फ्रैंकलिन कह रहा है कि हम लेस्टर की हेल्प ले सकते हैं उसको बचाने में, क्योंकि अभी ना माइकल के पास उसका फोन है, लेकिन माइकल हमें कॉल नहीं कर सकता, तो लेस्टर देखते हैं अभी क्या बताता है। और यहाँ पर ट्रेवर हमारे साथ नहीं चलने वाला। ओके, तो भाई ट्रेवर कह रहा है मैं तो नहीं चलूंगा क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा दिया है। तो अभी देखते हैं क्या करके हम माइकल को बचा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर से ट्रेवर जा रहा है, यानी कि अब इतना कंफर्म हो गया कि वो हमारे साथ नहीं जाने वाला। और सामने से एक बंदा आ रहा है, चलो भाई कोई दिक्कत, इसको क्या हो गया भाई? भाई साहब, ट्रेवर ने इसके मुंह पे ही घूसा जड़ दिया, पता नहीं किस लिए। भाई इसके अंदर इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, और ऐसा लग रहा है वो इस टाइम पे भाई किसी को भी मार सकता है, पता नहीं यार क्या हो गया ट्रेवर को। और यहाँ पर फ्रैंकलिन ने लेस्टर को कॉल लगा दिया, देखते हैं लेस्टर से हमें क्या हेल्प मिलती है। ओके, तो लेस्टर ने कॉल भी उठा दिया। अब ये लेस्टर को भी बताया कि भाई ये सीन हो चुका है, माइकल को किडनैप कर लिया है। ओके, तो अपनी गाड़ी जो है पीछे खड़ी है। ओके, तो उसने हमें एक ट्रैकिफाई ऐप दिया। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर लेस ने हमें एक ऐप दिया है, जिससे क्या होगा ना, जो माइकल का फोन है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी कोई लोकेशन नहीं है। तो चलो भाई बहुत सही हो गया। अब यहाँ पर दोबारा से माइकल पर स्विच हो चुके हैं, और देखते हैं। ओके, तो ये वही जगह है जहाँ पर माइकल को किडनैप करके रखा हुआ, मतलब यार बहुत ही गलत सीन है। और ये लोगों ने भाई तब से लटका रखा है, और बहुत ज्यादा मार रहा है भाई माइकल को, और मतलब ऐसा सीन कर दे कि वो कुछ कर भी नहीं सकता इस टाइम पे। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बीच फटाफट से मेरे को अपनी ट्रैकिफाई ऐप को ऑन करना पड़ेगा, जिससे हम उसे ट्रैक कर पाएंगे। ओके, तो मैंने अपनी ट्रैकिफाई ऐप को अपने मोबाइल में ऑन कर लिया है, और लेकिन इसके अंदर तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ओके, तो हमें यहाँ पर सीधे जाना है। चलो ठीक है, अभी फटाफट सीधा निकलते हैं, जिस डायरेक्शन में कहेगा हमें उधर उधर जाना है। बस यार इसके कनेक्शन लॉस्ट ना हो, अगर इसके कनेक्शन लॉस्ट हो गए ना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। और ये हम किस रास्ते पे आ गए यार, यहाँ तो रास्ता ही बंद है यार, शिट, काश हमें करेक्ट लोकेशन पता चल जाती। एक मिनट हट जाओ भाई, अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले राइट होना है यार, पता नहीं वो चाइनीज गैंग के बंदे कहाँ पर रहते हैं, सीधा जाना है फिलहाल। तो भाई बहुत ही गलत सीन हो रहा है, बस जल्दी से ऐप जो है सही ट्रैक कर ले, और गलत ट्रैक ना करे, गलत ट्रैक करेगी तो हमें और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ढूंढने में। ओके, तो ये ऐप कह रही है हमें थोड़ा सा लेफ्ट वाली डायरेक्शन में जाना है। चलो ठीक है, इस वाले लेफ्ट वाले रोड पे जाते हैं, अब यहाँ से राइट जाना है। एकदम करेक्ट वे नहीं बता रही है, बस हमें एक डायरेक्शन दे रही है कि हाँ इस डायरेक्शन में जाते जाओ। तो यहाँ पर नीचे तो नहीं होंगे यार, वो एक अलग सी जगह है, कुछ फैक्ट्री टाइप एरिया में उन्होंने बंद कर रखा है। ओके, तो वो लेफ्ट में कुछ लग रहा है फैक्ट्री सा, वहाँ पर चल के देखते हैं। और हाँ, इस ऐप में भी हमें वहीं पर बता रहा है, तो मेरे को कंफर्म लग रहा है कि इसी के अंदर माइकल को किडनैप कर रखा है, और ये ऐप बिल्कुल सही बता रही हो, बस कुछ गलत ना हो। तो यहाँ पर अभी हमें बस लेफ्ट से अंदर जाना है। ओके, और कहाँ जाना है, आगे जाना है भाई, कहाँ जाऊँ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। वो पीछे में जाना है, पता नहीं यार कहाँ पर जाना चाहती है ऐप, ये रहा रास्ता। ओ हो, एक फैक्ट्री आ गई सामने, यहाँ पर अंदर फैक्ट्री का रास्ता है, और अपना जो टाइम है वो ना खत्म हो जाए, बस अभी सीधे सीधे जाना है बस हमें, और गाड़ी रोकनी का है। ओए, हम पहुँच गए माइकल के पास, माइकल हमारे आसपास ही है कहीं पर। तो यहाँ से मैं अपनी गाड़ी को अंदर कर लेता हूँ भाई, यहीं कहीं आसपास वो। ओके, तो सामने कुछ बंदे तो खड़े हैं, अपनी गाड़ी को मैं यहीं पर पार्क कर देता हूँ। ओके, करेक्ट लोके। ओ भाई, ये तो डायरेक्ट मारने लग गए। एक मिनट यार, मेरे को अपनी ऐप बंद करके अपनी पहले गन निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई, कौन सी का चौड़ा हो रहा है, इधर किस पे चोड़ा हो रहा है, इधर 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 कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, कवर ले लेके मारोगे? अच्छा एक मिनट रुको, तेरी भैंस की टांग, कहीं के बदमाश हो गया तुम, उठ उठ उठ, दोबारा उठेगा। हाँ यही है, चाइनीज गैंग के बंदे तो ये। ओ भाई, बहुत सारे बंदे, भागो 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 भाई, मेरे को तो लग रहा था एक दो बंदे, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे हैं। एक सेकंड रुक जाओ भाई, बहुत ही गलत सीन हो गया यहाँ पर, तो एक एक करके आना भाई आराम से, भाई मैं नहीं छोड़ने वाला। एक मिनट रुक जाओ, ये ज्यादा बदमाश बन रहे ना, एक मिनट। ओ शिट, मैंने बॉम्ब यहीं लगा दिया, कोई दिक्कत क्यों नहीं, फोड़ देंगे बम तुम्हारी, ऐसी की तैसी हमें मारोगे तुम।
अंदर सारे का सारे बम प्लांट करता हूँ, अभी रुक जाओ। चलो भाई सारे बम अंदर ढाल के मैं फोड़ दूंगा। अभी तो बहुत सारे लोग मेरे बम से, ओ ये क्या कर रहा है इधर, तेरी ऐसी की तैसी, निकल यहाँ से। और कौन कौन बचा आगे, आगे की तरफ में एक बंदा, भाई काफी सारे गुंडे अंदर है। ओ भाई आगे भी एक खड़ा है, सारे के सारे चाइनीज गैंग के बंदे। इतना तो मेरे को कन्फर्म हो गया कि जो अपना माइकल है वो यहीं कहीं पर घूम रहा है, और ये किसी फैक्ट्री के अंदर अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। ओके तो यहाँ पर मैंने दो तीन लोग को तो मार दिया, और आगे से मेरे को लग रहा है ना थोड़े बहुत लोग और आ रहे हैं एकदम। ओ ये खड़ा, निकल 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 भाई, बेचारे के निकलते ही गोलियां पड़ी। ओ भाई कितनी ज्यादा हेल्थ है इन लोग की, इतनी ज्यादा गोलियों में बच जा रहे हैं। आजा 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 बाय। ओके तो सामने आप देख पा रहे हो कितने सारे लोग खड़े हैं, इनको तो मैं आराम से मारूंगा, रुक जाओ एक गोली में ढेर कर दूंगा। निकलो, स्नाइपर ही स्नाइपर पड़ेगी तुम्हारे, निकलो तुम भी। चलो भाई इसी के साथ भाई साहब यहाँ पर फ्रैंकलिन अपना फुल एकदम खतरनाक वाले गुंडों की तरह एंटर हो रहा है इनके एरिया में। और यहाँ पर आगे कोई बंदा तो है जो मेरे पर पिस्टल चलाने की नाकाम कोशिश कर रहा है, गया। चलो अभी, ओ भाई कितने सारे बंदे, एक सेकंड मेरे को छुपना पड़ेगा। आजा आजा आजा, तेरी ऐसी की तैसी। चलो यहाँ पर इसको भी मैंने मार दिया। भाई ये जिंदा है अभी भी, इनके पास ना हेल्थ बहुत ज़्यादा, जब ये मर जाते हैं ना फिर भी उसके बाद पूरी गोलियां वोलियां चलाने की कोशिश करते हैं। चलो अब निकलते हैं, मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे बंदों को तो मार दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पूरा ओ भाई और भी बंदे यहाँ पर, चलो चलो बाय बाय, बहुत ध्यान से खेलना पड़ेगा, काफ़ी सारे बंदे आ रहे। शिट 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 शिट, अगर मैं ग्रेनेड्स और यूज़ करूँगा ना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एक मिनट रुक जाओ, निकलो बाय। काफ़ी सारे बंदे यार अभी बचे हैं, और एक बंदा तो मेरे ना पास आने की कोशिश कर रहा है। आजा बेटा मेरे पास आजा, तेरे मुँह पर पिस्टल जो बजाऊँगा ना मैं, निकल यहाँ से। भाई पिस्टल का यही फायदा होता है, एकदम मस्त हेडशॉट लगता है, और एक गोली में ही बंदा मर जाता है। बस एक गोली मारो बस खत्म, भाई सीधा हेड मारो, एक ही गोली मारो, एक गोली में बंदा ढेर। अभी मेरे को लग रहा है ना आगे और भी बंदे हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ध्यान से। और ओ भाई ये लटका माइकल, ओके ओए गोली चलते ही रही ऐसी की तरह से। भाई मैंने उसकी गोली मारी और ये कहाँ चला गया। ओ भाई कुछ कटर सा आ रहा है, ओ भाई कट गया वो तो। ओ भाई बेचारा बहुत ही बुरी तरह कटा है। अब यहाँ पर मैं माइकल को भी एक गन पकड़ा देता हूँ, ले भाई तू भी लड़ाई कर। अभी हम वापस से माइकल पे स्विच हो चुके हैं, अब मैं इन्हें बताता हूँ, आ जाओ भाई जिसको मारना मार के दिखाऊँ मैं। और ये देखो इन बंदों को कैसे मार रहे हैं। अब माइकल की बारी है भाई मारने की, इनको भी पता नहीं है माइकल का निशाना कितना ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। उठो बेटा उठो, निकलो यहाँ से निकलो। ओ भाई ये लेट के भी गोली चला रहे हैं। अबे फ्रैंकलिन तू तो एकदम हल्का ही पड़ गया भाई। भाई सामने से आ गए नीचे से, निकल 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 निकल। ओके सामने से आ रहे हैं दो तीन लोग, तू भी निकल। भाई बहुत सारे चाइनीज गैंग तो यार बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अबे मेरी रस्सी तो खोल दे भाई, मैं अपनी रस्सी पे गोली मार के तोड़ सकता हूँ यार, रस्सी तक मेरा हाथ दिख ही नहीं रहा, मतलब रस्सी का जो एरिया है यार। सब कुछ हो गया लेकिन ना समझ नहीं आ रहा कि मैं माइकल को यहाँ से नीचे कैसे उतारूंगा, और सामने से ना गुंडे आए जा रहे हैं। अब फटाफट से ना मेरे को कुछ ना कुछ एरिया तो ढूंढना पड़ेगा जहाँ से इन्होंने लटकाया होगा, शायद वहीं से उतर जाएगा। और जो ताला है ना यार इसको तोड़ने के चक्कर में भाई माइकल के ना गोलियां लग जाए, इसलिए मैं इस पर गोलियां नहीं मार रहा। कुछ ना कुछ तो होगा यार, कहीं ना कहीं तो ऐसा बटन होगा जिससे मैं इसे खोल सकते हैं, समझ नहीं आ रहा यार क्या करना है। ओके तो चलो एक काम करता हूँ ना, मैं आगे एक आध बंदे मार कर आता हूँ, और कुछ ना चाबी अभी ढूंढ के लाता हूँ इसकी, शायद उससे कुछ हो जाए। आगे चलते भाई बाहर की तरफ में ना, एक आध और बंदे जो है यार माइकल खुद से खोल नहीं पा रहा उसका। ओ भाई आजा आजा आजा, चाबी किसके पास है मेरे को ये बताओ, इसके पास तो गन थी यार, चाबी बता नहीं गए। ओके ओ भाई ये कौन आया, चक्कू ही मार देगा भाई सब। रुक जाओ अभी हमें बचाना है उसको, भाई निशाना भी नहीं लग पाएगा, एक सेकंड रुक जाओ, पूरा एक ही गोली मारे, चलती रही ऐसी की तैसी। यहाँ पर भाई बचा लिया मैंने दोबारा से फ्रैंकलिन को, और यहाँ ओ भाई खोल दिया यहाँ पर लोग किसी के साथ। भाई बहुत ही बुरा सीन था, मतलब कि आखिरकार माइकल ने खुद से ही गोली मार के खोला है। अब फटाफट हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलना है, और मेरे पास एक पिस्टल के अलावा कुछ भी नहीं बचा, मतलब कि इन्होंने सारे वेपन छीन लेते, इन्हीं के वेपन उठाता हूँ ना, इनके पास इतने तगड़े तगड़े वेपन्स हैं। चलो भाई अभी मेरे पास फिलहाल एक SMG तो हो चुकी है, एक मेरे पास चाकू भी हो गया है। जल्दी चल जल्दी चल, और बंदे हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और बंदे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मारो गंजे को। भाई बहुत सारे बंदे आ रहे हैं आगे की तरफ में से, निकल यहाँ से। अभी एक बंदा और आया, इसको भी मैं ही मारूंगा। भाई चेयर पे आके बैठ रहा है फुल मजे में, छुप रहा है, लेकिन बेचारे का हेड तो दिख रहा है उसको, ये चीज़ पता ही नहीं है। इसका भी हेड दिख रहा है, निकल तू भी, तू भी निकल। चलो भाई अभी यहाँ पर ये बंदा जिंदा होगा, इसके हेड पे गोली नहीं पड़ी ना। चलो भाई काफ़ी सारे, ओ भाई ये क्या है भाई, इसका कवर लेता हुआ आ रहा है बंदा। आगे एक बंदा और बैठा है, गया। चलो भाई सारा का सारा एरिया खाली कर दिया, और ये लोग यार कैसी सी जगह पर अपना अड्डा बनाकर बैठे हुए हैं भाई, बहुत ही तगड़ी जगह है ये। चलो भाई यहाँ पर हम एक ओ भाई सब चाइनीज गैंग वालों के पास कितनी तगड़ी तगड़ी कार है, फटाफट गाड़ी में बैठ के निकलते हैं। मेरे को ऑरेंज वाली सही लग रही है, इसमें नहीं ऑरेंज वाली में, ऑरेंज वाली में भाई कार भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट आ जाओ भाई, अभी जल्दी से चलते हैं भाई। ओ एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा भाई, गाड़ी ख़राब करता है तू, गाड़ी ख़राब करेगा है भाई, गाड़ी ख़राब करेगा, इतने बड़े हो गए तुम। उठ उठ उठ, अभी अभी तुम्हारी ऐसी की तैसी, कहाँ की गैंग है तुम्हारी है,
चल भाई आजा 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 जल्दी आ भाई, अब ये लोग ने निकल कर आजा, मैं सच्ची बता रहा हूँ मुंह तोड़ दूंगा इनका। चलो गाइस अभी फटाफट भाग लेते हैं अपने घर पे, मतलब कि यार जो भी हुआ बहुत ही तगड़ा हुआ। और इसी के साथ यार फ्रैंकलिन की हेल्प से माइकल भी यहाँ पर बच चुका है भाई साहब। तो भाई यहाँ पर सब कुछ हो चुका है, लेकिन जो चाइनीज गैंग के बंदे है ना वो अभी भी बचे हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ नीचे काम करने वाले बंदे थे, मेन जो हेड था ना यार वो अभी बचा है। और मेरे को पता क्या लग रहा है कि हमारी चाइनीज गैंग वालों से बहुत ही तगड़ी लड़ाई हो चुकी है और अब कुछ बड़ा ही तगड़ा वाला पंगा होने वाला है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार इस टाइम पर हम माइकल को छुड़ा कर ले आए चाइनीज गैंग से, लेकिन जो उनका हेड था जिसके अंदर थे सारे के सारे बंदे जिनको भी हमने मारा, वो हेड नहीं मारा अभी तक। तो उसको अगर हम मारेंगे तो ही चाइनीज गैंग निपटेगी, वरना तो भाई चाइनीज गैंग हमें कभी भी आके निपटा सकती है। तो हमें अपना काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो गाइस फिलहाल अभी हम लोग अपने घर पर पहुंचने वाले हैं। और भाई सच्ची में यार आज तो फ्रैंकलिन ने बहुत ही सही काम कर दिया, वरना तो पता नहीं क्या ही होता माइकल का। अब हमें ना ये नहीं समझ आ रहा कि हमें ट्रेवर का क्या करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर ट्रेवर और भी ज़्यादा इससे भी तगड़ी तगड़ी हरकतें कर दे, जिससे अपने को ना बहुत ज़्यादा भारी नुकसान झेलना पड़ जाए। और घर हमारा पीछे की तरफ था और हम कहाँ पर जा रहे हैं, मतलब कि अलग ही नशे, कोई दिक्कत की बात नहीं, दूसरे रास्ते से जाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके तो बस हमें आगे से राइट लेना है और फिर जो माइकल का घर है वो आ जाएगा। ओके भाई मतलब ये जो लड़ाई थी ना, मतलब मज़ा ही आ गया। चाइनीज गैंग भी बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, मतलब कि यार मारना तो इतना मुश्किल नहीं था खैर, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे थे। तो चलो गाइस अभी फिलहाल हम पहुंच गए हैं और यहाँ पर फ्रैंकलिन अपनी गाड़ी लेकर जाएगा ना, ये गाड़ी तो कोई भी रखे हमें क्या मतलब है, हम चलते अपने घर पे। मतलब कि भाई बहुत ही गलत सीन था। और मेरी लैम्बोर्गिनी जो है वो इस टाइम पर एयरपोर्ट पे खड़ी हुई है, तो उस लैम्बोर्गिनी को भी लेकर आना है पहले, क्योंकि लास्ट टाइम एयरपोर्ट से हमें सीधा डायरेक्ट किडनैप कर ले आए थे बंदे, प्लेन से वापस आए नहीं थे हम। तो कि गाइस यहाँ पर फ्रैंकलिन तो अपना जा चुका है और माइकल ने अपने कपड़े वपड़े बदल के अपना मुंह साफ कर लिया है। तो चलो गाइस अभी फटाफट यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ एयरपोर्ट, वहां पर अपनी लैम्बोर्गिनी खड़ी हो रही अंदर। ओके तो जिमी एक्सरसाइज करना है गेम खेलने के बाद, तो हाँ यार आप लोग भी गेम खेलने के बाद 5-10 मिनट के लिए थोड़ा सा हाथ इधर उधर कर लिया करो, इससे क्या रहता है अपना शरीर थोड़ा बहुत खुल जाता है। अब फटाफट चलते पहले नीचे, और मैं कैब से जाने वाला हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं सीधा अपनी कोई गाड़ी लेकर जाऊंगा ना, जैसे मेरे पास फरारी और लैम्बोर्गिनी अंदर खड़ी तो है टायर्सो, लेकिन अगर मैं उसे लेकर जाऊंगा तो फिर वो वाली वहां पर खड़ी करनी पड़ेगी, अकेले दो गाड़ियां थोड़ी लाऊंगा। अब यार एक काम करते हैं ना, फटाफट ट्रैवर के घर पर चलेंगे और ट्रैवर से मैं सीधा पूछूंगा उसने ऐसा क्यों क्यों, मतलब कि आज उसका ना कलेश ही खत्म करेंगे। मैं पहले मारूंगा नहीं, मैंने हमें मारना नहीं, क्योंकि यार अपना दोस्त है, क्या पता उसे भी कोई वैसी गुस्सा चढ़ गया होगा, पहले उससे हम बात करेंगे ऐसा किया क्यों, क्या पता उससे भी किसी ने ये चीज करवाई हो, भाई चल कर देखेंगे। लेकिन आज ट्रैवर से बदला तो लेने में, तो थोड़ी बहुत गुस्से लाते तो देंगे भाई, मतलब इतना कुछ कर देगा हमारे लिए। और मैंने कैब को फोन करा था और कैब तो आ गई है। एक बार ना मैं अपनी गाड़ियां देख लेता हूं, यहां पर गाड़ियां तो सेफ है ना सारी की सारी। ओके तो लैम्बोर्गिनी भी खड़ी हुई है और गैराज में तो कुछ होने नहीं वाला, यानी गैराज में अपनी टायर्स खड़ी है, वहां कुछ नहीं होने वाला। चलो भाई साहब जल्दी चलो एयरपोर्ट छोड़ दो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब फटाफट सबसे पहले चलते हैं एयरपोर्ट और यहाँ पर ये अपने अलग पैसे मांगे। एक सेकंड मैं जगह बता रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, हमें जाना है एयरपोर्ट। ओके चलो भाई अभी फटाफट चलते हैं एयरपोर्ट पे। अब वहां पर अपनी जो लैम्बोर्गिनी है उसे लेकर जाने वाले हम सीधा ट्रैवर के गांव में, क्योंकि ट्रैवर अपने गांव में ही भगा हुआ कंफर्म, क्योंकि यहां पर उसका कोई घर वर है नहीं। और फ्रैंकलिन से भी उसकी लड़ाई होगी तो वो कंफर्म गांव में ही होगा, अपने गांव वाले घर में होगा या फिर अपने वही गांव वाले ऑफिस में होगा, इनमें से ही किसी ना किसी जगह पर होगा। भाई जल्दी बचा दे, इतना फालतू टाइम नहीं है, रेड लाइट पे भी वेट कर रहा है यार, मन तो कर रहा है गोली मार दूं उसके मत्थे पे, कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा सा वेट करके पहुंच जाएंगे। तो इसी के साथ यहां पर यार काफी देर बाद इसने मेरे को पहुंचा दे, और मतलब कि इसे कोई जगह नहीं मिली भाई, मतलब अलग ही नशे कहां पर उतार रहा है। और मेरी गाड़ी ओके सामने खड़ी है, और ये देखो मैं भग जाऊं यहां से, तुम्हारी भैंस की टांग, इधर आओ, क्या बदतमीजी कर रहे हो, भगवान यहाँ से। भाई गाड़ी की फोटो वोटो खींच रहे आराम से, फुल मजे में खड़े होकर भग गए, बेचारों को मैंने डरा दिया अच्छा खासा अपने, उनके फेसबुक इंस्टाग्राम पे फोटो वोटो डलती मस्त मस्त, लेकिन अभी भाग गए वो डर के मारे। कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी फटाफट अपनी गाड़ी को लेकर चलते ट्रैवर के गाँव में। आज मैं ट्रैवर को नहीं छोड़ने वाला, मतलब मारेंगे नहीं ट्रैवर को, यार अपना दोस्त है। तो गाइस अभी मैं जाने वाला हूँ सबसे पहले ट्रैवर के घर पर, वहाँ पर जाकर उससे बात करेंगे कि ऐसा क्या सीन हुआ जो कि यार तुझे माइकल की ऐसी तैसी करनी पड़ गई। मतलब यार अभी तो फिलहाल सब कुछ एकदम नॉर्मल हो चुका है, अगर वो जो चीज़ है उसकी, मतलब जो ट्रैवर का प्लान था वो अगर सक्सेसफुल हो जाता ना तो भाई आज माइकल डूब जाता, लेकिन यार ट्रैवर से ना वापस दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अभी भी यार राज हमारे खोल सकता है अगर करना चाहे तो। बट यार उससे पहले ना या तो हमें ट्रैवर को मारना पड़ेगा, लेकिन अगर ट्रैवर हमारी बात मान लेता वापस से हमारा दोस्त बन जाता है तो हम ट्रैवर को छोड़ देंगे। तो इसीलिए अभी मैं फटाफट पहले उसके गाँव पर जा रहा हूँ, उससे चल के नॉर्मली बात करेंगे, उससे कोई भी हमें लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि यार ट्रैवर बहुत अच्छा बंदा है अंदर से, भले ही पता नहीं उस दिन उसे क्या हो गया था, लेकिन ट्रैवर यार पहली बात तो ना बहुत ज़्यादा पावरफुल भी, तो उसे हम नॉर्मली मार नहीं सकते। तो भी कुछ पता नहीं यार कब में हमारी चाइनीज गैंग से भी फाइट हो जाए, क्योंकि यार वो लोग भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसीलिए अभी हमें ट्रैवर से दोबारा दोस्ती करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर चाइनीज गैंग वालों से फाइट हमारी होती है तो ट्रैवर यार बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। फिलहाल फ्रैंकलिन और मैं भी इतना हैंडल कर लेते हैं, लेकिन ट्रैवर एक अलग पावरफुल चीज़ है। तो फटाफट चलते भी ट्रैवर के घर पर उससे वापस दोस्ती करते हैं, देखते हैं क्या सीन है। अगर अभी भी वो नहीं माना तो भाई अपने पास एक ही ऑप्शन बचा कि ट्रैवर को मार दो, उसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं बचा। तो भाई देखते हैं क्या करना पड़ सकता है, अभी फटाफट चलते हैं ट्रैवर के घर पे।
तो बस अभी हमें यहाँ से सीधा भगाना है और हम लोग पहुंचेंगे ट्रैवर के घर पर। मतलब क्या लैम्बोर्गिनी से पहुंचने में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता किसी भी डेस्टिनेशन पे। मतलब जो काफ़ी जगह जो होती है बहुत ज़्यादा दूर भी होते हैं ना, वहाँ पर भी हम बहुत ही जल्दी पहुँच जाते हैं। और गाँव के रोड तो एकदम खाली रहते हैं भाई, एकदम अलग ही भागती है गाड़ी। ओके चलो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं और थोड़ा सा पीछे रह गया, मुझे यहाँ से राइट लेना था। कोई नहीं, आगे वाला का टेक हो रहा है, वहाँ से राइट लेते हैं और ट्रैवर का जो अपना घर है वो आ जाएगा। और देखते हैं ट्रैवर से कैसे बात होती है, क्या सीन है। मेरे को तो नहीं लगता वो ऑफिस में होगा, तो सबसे पहले मैं आऊँ ऑफिस में, ऑफिस के अंदर एक बार ही देख लेता हूँ। ऑफिस में तो मेरे हिसाब से नहीं होगा, एक मिनट रुक जाओ, इधर आटो पे भगो यहाँ से। वैसे यार मैंने पूरी के पूरे ऑफिस में चेक कर लिया और ट्रैवर यहाँ पर है भी नहीं। फटाफट यार यहाँ से निकलते हैं, मुझे ना उसके घर पर ही जाकर उसे देखना पड़ेगा। मुझे लग रहा था ऑफिस में वो होगा लेकिन नहीं है। तो अब बस मुझे फटाफट से यहाँ से राइट लेना है और हम ट्रैवर के घर पर पहुँच जाएंगे। और भाई मतलब इस टाइम ना बात करना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो सामने ट्रैवर का घर तो आ गया है, लेकिन इसने घर के बाहर बंदे किस लिए खड़े कर रखे हैं? एक मिनट, अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो कोई गड़बड़ ना हो जाए भाई। इसने ये बंदे लोग किस लिए खड़े कर रखे हैं? इससे पहले जब मैं इसके घर पर आता था कोई भी नहीं होता था भाई, और आज इसने थोड़े बहुत गुंडे लगा रखे हैं। और शायद से इन्हें बोल रहा होगा कि अगर कोई भी आए तो सीधा मार देना। भाई मतलब ये ट्रैवर को पता है कि इसको खतरा है। और एक बार ये ना मैं देख लेता हूँ कौन कौन है। तो यहाँ पर कुछ तो बंदे खड़े हैं। ओ भाई इन्होंने, ओ भाई देख भी लिया, कितने खतरनाक बंदे हैं भाई ये। एक सेकंड रुक जाओ भाई, मैंने जब तुम्हें कुछ कहा ही नहीं, तुम किस बात पे बदमाश बन रहे हो? आ जाओ कौन है? एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, इसके तो मैं ना लगे हाथ बजाई दू। जो छत पे खड़े होकर मेरे से चोड़ा हो रहा था ना, ये रहा तेरी भैंस की टांग, निकल यहाँ से भाई। कहाँ का बदमाश बन रहा है? मतलब इसने एक दो गुंडे लगा रखे अपने घर के बाहर। इधर आ तेरी ऐसी की तैसी, यहाँ पर क्या मजे ले रहा है? मेरे को लग रहा है ना इसे और बंदे रखे होंगे। और ये तो रोन है, रोन हमें कुछ नहीं कहने वाला। ये ड्राइवर का पुराना दोस्त है और बेचारा वो भी डर गया भैया, गोलीबारी कहाँ से होगी? और ये पीछे से बंदे आ रहे हैं भाई, क्या हो रहा है ये? तो चलो गाइस अभी मेरे को लग रहा है ना मैंने सबको मार दिया है। और भाई साहब अभी कोई बाहर निकला मेरे को ऐसा लग रहा है। एक सेकंड, ओ भाई भाई मेरे को, ओ भाई ट्रैवर भाग गया बाइक लेके। एक सेकंड रुकती थी भैंस की टांग। ओ भाई ये तो बहुत तेज है भाई, ये भाग गया बाइक लेके। और यहाँ पर ना इसने कुछ अभी भी गुंडे रखे हुए हैं भाई, जल्दी से चलना पड़ेगा वरना बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। यार ट्रैवर ना बहुत ज़्यादा ही तेज है, जल्दी से चलते हैं भाई, देखते हैं वहाँ पर क्या सीन है। भाई ट्रैवर ने बहुत ही तगड़ी तेज भागा भाई, पता नहीं मेरे हिसाब से सीधे ही रास्ते पे गया था, बस वो आगे चल के अगर हमें मिल जाए तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, अगर नहीं मिला तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। एक सेकंड और आगे चल कर देखते हैं यार, पता नहीं इस साइड में ही तो गया था वो भाई साहब। मतलब सीधा भाग गया बाइक लेकर। अब यार एक तो गाड़ी भगाते भगाते मैं इतनी ज़्यादा आगे आ गया ना, और मेरे को अभी तक ड्राइवर यार कहीं पर भी दिखा नहीं है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ से आगे जाना चाहिए या फिर पीछे आना चाहिए, और पुलिस वाले भी पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। ओके तो यही जा रहा ड्राइवर। ओ भाई साहब बाइक पर कितनी तेज निकल रहा है भाई, सच्ची में हायाबूसा पे, और इसको पकड़ना ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अगर मैं एक बार इसकी गाड़ी का टायर पंचर कर दूंगा ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। और यार अपनी लैम्बोर्गिनी सही टाइम पर धोखा दे रही है भाई, अगर अभी जल्दी से मैंने ड्राइवर को उसकी गाड़ी से गिराया नहीं ना तो फिर से कहीं ना कहीं भाग कर छुप जाएगा। लेकिन उसको ये नहीं पता कि मैं उसे मारने नहीं आया, उससे बात करने आया हूँ भाई। इस टाइम ड्राइवर भाग इसलिए रहा है क्योंकि मेरे को कन्फर्म बताया इसके पास ना अभी कोई भी गन नहीं होगी, और उसको लग रहा है ना कि मैं इसे मारने आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है भाई, मैं इसे बात करने आया हूँ। भाई साहब भाई ये तो इस टाइम पागल सही हो गया है भाई, बाइक देखो मतलब किस तरीके से चला रहा है। अच्छा मेरे से तेज चलाएगा, आजा इसको मैं ना आगे पूरा ब्लॉक करके रखूंगा, अभी जैसे ही आएगा ना मैं वैसे ही से पकड़ लूंगा। एक मिनट रुक जाओ, आजा बेटा आजा। ओ भाई 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 सीधे, ओ शिट भाई मेरी गाड़ी फूट जाएगी इसके चक्कर में। अबे यार इसे रोकना पड़ेगा भाई, रुक जा यार, क्यों नहीं समझ रहा है मेरी बात? चल कर देखते हैं भाई क्या सीन है। अब मेरे पास ना कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे को लग रहा है इसे मेरे को ठोकर मार के गिराना ही पड़ेगा, और अगर मैंने इसे गिराया तो भाई इसके चोट वोट ना आ जाए भाई। मतलब ट्रैवर को लग रहा है ना कि मैं उसे मार दूंगा, और इस टाइम ने इसके पास गन्स नहीं है, वरना उल्टा ये मेरे को ही मार देता। और भाई अब इसके पास ना भागने के अलावा कोई भी चारा बचा नहीं है। ओ भाई ये कहाँ जा रहा है उधर से? ओ भाई भाई मतलब, ओ भाई पहाड़ पे कहाँ चला गया ये? ये कौन कौन से रास्ते से जा रहा है यार? बाइक का फायदा उठा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, मेरी भी लैम्बो किसी से कम नहीं है, मैं आऊँगा बेटा उसी रास्ते से आऊँगा, टेंशन मत कर। और यहाँ पर करने क्या है आज, मेरे से लड़ना चाह रहा है मेरे को लग रहा है। अभी आज में से नॉर्मली बात होगी तो ठीक है, अगर लड़ना चाह रहा है तो आ जाओ भाई। एकदम कोने में आके इसने बाइक खड़ी कर दी है, रुक रहा है नहीं रुक रहा। एक मिनट रुक जाओ, अब कहाँ जाएगा भाई, पहाड़ पे कहाँ जाना चाहता है? एक मिनट रुक जाओ भाई साहब, भागियो मत नीचे रुक जाओ। गिर गया शायद से गिर गया है। इसकी मैं बाइक ही पंचर कर दूंगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और भाई गिरा ही नहीं है, अभी भी भाग रहा है, इसकी मैं बाइक पंचर करूंगा, इसे गिरना पड़ेगा बेटा। आ जा भाई, वापस भाग गया ये तो, शिट ये वापस में उधर को भागा है। भाई साहब इसे मैं कैसे समझाऊं यार, ये क्या हरकतें कर रहा है इस टाइम पे ड्राइवर भाई? इस टाइम पे मेरे से रेस करना चाहता है, क्या करना चाहता है मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा। भिड़ना है नॉर्मली भिड़ ले भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, आ जा। ओ फिर से भाग गया इस टाइम, मेरे को लग रहा है ड्राइवर ना गिर के इधर उधर ही जा चुका है, उसकी बाइक की ऐसी की तैसी भाई, पता नहीं कहाँ पर चला गया इसे, नॉर्मल सी मेरी बात समझ नहीं आ रही है। अभी यहाँ पर मैं उतर गया हूँ, इसकी बाइक कहाँ पर? इसकी बाइक तो मैं पहले पंचर करूँ भाई, वरना ये फिर से इस बाइक को लेके भागेगा। ले भाई दोनों टायरों में मैंने छेद कर दिया, अभी जैसी गाड़ी में रेस देगा ये पंचर हो जाएगी। लेकिन ड्राइवर गया किधर भाई? बाइक छुपा के पता नहीं कहाँ पर घासों में निकल गया भाई ये। एक सेकंड रुक जाओ यार, बाइक तो इसकी यहीं पर गिरी हुई है लेकिन ड्राइवर गया कहाँ है?
यार इसने बाइक उछाल ली थी और मेरे को लग रहा है ना इसके चोट वोट लग गई और ये इधर ही कहीं पर गिर गया है या फिर ये ना भाग गया है। इसने कुछ तो भाई दिमाग लगाया है मेरे से बचने के लिए, पता नहीं यार ये कहाँ पर चला गया। एक बार ना मैं इसकी बाइक ना उठा के साइड में लगा देता हूँ वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और यहाँ पर भाई सुबह भी होने वाली है, मतलब कि यार कसम से ना ड्राइवर ने एकदम दिमाग खराब कर दिया गाड़ी। ओ भाई ये कौन पड़ा है, एक सेकंड, ये रहा भाई, मतलब देख लो भाई हो गया ना एक्सीडेंट, हो गया बुरा हाल बेचारे का। अभी फिलहाल ये जिंदा तो हो सकता है, इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। मतलब यार पता नहीं क्या हरकत करी इसने, अच्छा खासा समझा रहा था भाई पंगा मत ले, बेचारे के पास गन नहीं थी इसलिए भागना पड़ रहा था। अब फटाफट इसे मैं अपनी गाड़ी में कैसे बैठाऊंगा वो सब देखना पड़ेगा, और इसे फटाफट से हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, वहाँ पे चल के इसे ठीक कराते हैं। तो क्या इस ड्राइवर को तो फिलहाल मैंने हॉस्पिटल पर छोड़ दिया है, अब उसका इलाज होता है कब तक होता है वो तो अभी आगे देख के पता चलेगा। अभी फटाफट चलते हैं यार अपने घर पर, अपनी गाड़ी को सबसे पहले सेफ कर लेते हैं वरना अपनी जो कार है ना इसको बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और जो ड्राइवर की बाइक वो भी मैंने यहीं पर लगा दिया, अब ये जैसी सारा मामला ठीक हो जाएगा, जैसे ड्राइवर हॉस्पिटल से ठीक होकर निकलेगा तब हम उससे बात करेंगे भाई क्या सीन है। तो वैसे फिलहाल अभी ना सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है, अब शायद से ड्राइवर ठीक हो जाएगा ना तो उसको अच्छा लगेगा कि हाँ भाई माइकल ने उसे बचा लिया है और उल्टा वो माइकल को मारने जा रहा था, मेरे को लग रहा है दोबारा से दोस्ती जो है हो जाएगी। तो गाइस अभी सब कुछ एकदम ठीक हो चुका है, मतलब बस ड्राइवर भी जल्दी से ठीक हो जाए फिर देखते हैं आगे क्या सीन होता है। तो शायद से ड्राइवर की जो है हमारे से दोबारा दोस्ती हो जाएगी, मतलब जब उसे पता चलेगा कि हाँ भैया उसे हॉस्पिटल हम ही लेकर आए थे तो शायद से वो दोबारा से हमारा दोस्त बन जाए, कुछ कह नहीं सकते। वही वो अलग ही एकदम दिमाग का है, थोड़ा गुस्से वाला दिमाग का बंदा है, पता नहीं कोई हमारी भी गलती रही होगी शायद से जिस वजह से वो नाराज हुआ था। तो चलो गाइस यार आज की इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट वीडियो को जाकर लाइक कर देना, चैनल पे न्यू तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और हाँ यार जिसने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं करा है तो जल्दी जाकर फॉलो कर लो यार, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो यार आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।